वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरीक नवीद ने यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सरकारी जामियात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। होनहार मेरिट प्रोग्राम स्पेशल कोटा और चीफ मिनिस्टर PSED प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई और उसूली मंजूरी भी दी गई है। 20 डिसिप्लिन में PhD के लिए 500 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर लाहौर रंग इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस इजलास में सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरीक नवीद ने यूथ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में सरकारी यूनिवर्सिटीज के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। उनका ये कहना था कि होनहार मेरिट प्रोग्राम स्पेशल कोटा और चीफ मिनिस्टर PhD प्रोग्राम पर जहाँ उन्हें ब्रीफिंग जब दी गई तो उन्होंने इसकी असूली मंजूरी देते हुए कहा कि जो है गरीब का बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहिए तो क्यों ना जाए। उनका कहना था कि 20 डिसिप्लिन में PhD के लिए 500 स्कॉलरशिप जो है वो दिए जाएंगे। इस इजलास में सीनियर सफाई वजीर मरियम औरंगजेब समेत दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। जी।